तो स्वागत है भाई सभी का नए दिन नए ब्लॉग में। आई होप कल का ब्लॉग देखा होगा और मजा तो आया ही होगा। अभी भाई दिन का समय हो रहा है, शाम को वैसे सोच रहे हैं कहीं जाएंगे। अभी देखो भाई घर के बाहर ही हमारी यहाँ भेलपूरी तैयार होती हुई। बढ़िया, कैसी है भेलपूरी राहुल भैया? बढ़िया मस्त। आज नए भैया आए हैं। हाँ तो भाई तो बढ़िया। हाँ कल इको पार्क में भी खाए थे क्यों? बढ़िया है। देखो भाई भैया मस्त बनाते हुए, तो अपने भाई भेलपूरियां भी तैयार हैं। और आज भाई अपने खाने में लंच में ये देखो भाई घर के बने लिट्टी चोखा, भाई दही और दाल दिखती हुई मस्त। तो इसे खाना शुरू करते हैं भाई अपना। वैसे जब से घर आए तब से भाई फर्स्ट टाइम ही खाएंगे एकदम मस्त घर के बनी लिट्टी चोखा भाई एकदम। भाई नेक्स्ट लेवल। और साथ में अपनी थोड़ी भेलपूरी भी जो घर के बाहर मिल गई तो बढ़िया है भाई, बहुत ही लजीज खाना बना है। और ताई जी ने भाई ये प्रिपेयर किया तो उनका धन्यवाद करते हैं। और साथ में भाई अपनी चटनी भी है, तो इसे खाते हैं निपटाते हैं और जब शाम को निकलेंगे फिर आगे की बातचीत करते हैं। तो भाई शाम का वक्त हो रहा है इस समय अपना, हम दिन में खाना वाना खाए थे, अभी निकले हैं। कहाँ के लिए निकले हैं राहुल भैया? अभी हम लोग जा रहे हैं रीवा में, रह रहे एक तालाब है नया बनाया अभी। हाँ अभी एक महीना हुआ उसकी ओपनिंग हुई। अच्छा। और नया निर्माण हुआ है, मस्त बना हुआ है, मस्त व्यू है। हाँ वही हम लोग जा रहे हैं देखने। हाँ मतलब हम लोग, मतलब मैं तो देखा नहीं हूँ, आप देखे हैं पहले? नहीं पहले कभी, दो से देखा हूँ रोड से। रोड से जो देखा हूँ, अंदर जाके नहीं देखा हूँ। हाँ एक बार हम पापा के साथ जब वहाँ भी गए थे रीवा सीधी टनल, तो रास्ते में पड़ा था जब पापा ने दिखाया भी था, तो वही सोच रहे हैं बाहर से तो देखा हुआ है बोर्ड, अंदर से भी जाके देखते हैं कैसा व्यू होता है। फोटो में तो हम लोग देखे हैं ठीक ठाक बना है, पर हाँ वहाँ पहुँचते हैं और फिर वहाँ से आगे जुड़ते हैं। तैरा तालाब हम लोग पहुँच चुके हैं, बस कुछ ही पलों में वो दृश्य दिखाएंगे आप लोगों को। हाँ ये आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सही में ये देखो भाई यहाँ पे हम ऑलमोस्ट दिख सकता है जो एंट्री अपने रतेरा तालाब की, यहाँ पे लोग भी दिखते हुए गोलगप्पे भी लगे हुए हैं। भाई चलते हैं भाई, हम लोग यहाँ उतर चुके हैं गाड़ी से, हमारे पीछे दिख सकता है ये एरिया, चलते हैं आगे। ये देखो भाई इस तरीके का लगता है, आगे हमारा रीवा भी लिखा हुआ है। ये देखो भाई यहाँ पे लोग गुजरते हैं और यहाँ लिखा हुआ है हमारा रीवा। बढ़िया भाई ऐसे अच्छा डिजाइन बना रखा है, और सामने देखो ऐसे बोर्ड भी लगा हुआ है रतेरा तालाब लिखा हुआ। तो चलते हैं भाई जरा अंदर चल के भी देखते हैं यहाँ का क्या नज़ारा है अपने तालाब का, जो पहली बार हम यहाँ आए हैं। एंट्री गेट तो यही है भाई, अरे तो थोड़ा स्टेडियम जैसा लग रहा है। हैं बढ़िया। अच्छा यहाँ पे जिन्होंने बनवाया हुआ उनका नाम लिखा हुआ है, कब बनाया है ना वो भी लिखा हुआ है, संपन्न हुआ। हाँ ये देखिए 9 मार्च लिखा हुआ है ना 2024, तो आप सही बोले कि थोड़ा समय ही हुआ इसको खुले हुए। थोड़ा आगे चल के यहाँ से भी व्यू दिखाते हैं यार ज़रा। ये देखो भाई पूरा अपना तालाब का नज़ारा दिखता हुआ बस। तो भाई जैसा कि दिख सकता है ये देखो हम यहाँ पे वॉक करते करते अभी जा रहे हैं। तो बढ़िया एरिया है वैसे, क्यों राहुल भाई इवनिंग वॉक करना हो मॉर्निंग वॉक करना हो तो अच्छा है, घूमते रहो भाई चक्कर काट लो तालाब का नज़ारा देखते देखते। और भाई बाटलों का भी इतना मस्त नज़ारा लगता हुआ जैसे जैसे हम चलते जा रहे हैं। ये देखो पूरा तालाब का नज़ारा दिखता हुआ यहाँ पे, वाह बहुत ही खूबसूरत जगह बनी हुई भाई। ये देखो भाई यहाँ ऐसे हट्स भी बने देख सकते हैं, हट शेप। और यहाँ पे हम आगे जा रहे हैं, यहाँ आई थिंक नीचे उतरने का भी है भाई, सीढ़ी वीढ़ी तो दिख रही है। ये देखो यहाँ पे ऐसे नीचे जाने के लिए थोड़ा सीढ़ी से चलते हैं, पहुँच चाहेंगे तो पहुँच ही जाएंगे। तो ये देखो भाई पूरा यहाँ पे हम नीचे आ चुके हैं, बस यहीं से ही हम और करीब से नज़ारा दिखाते हैं भाई। ये देखो बढ़िया यहाँ बैठ के राहुल भैया बाण सागर की भी याद आ रही है, जैसे वहाँ नीचे गए थे सीढ़ी से। बढ़िया बाण सागर देख रहे थे, पूरा ब्लैक पानी दिख रहा है। हाँ और वहाँ जाके आप नीचे 3 कदम लिए थे, फिर 2 कदम ऊपर भी तो आए थे। जाइए तो पता लगे। नहीं सही है भाई यहीं सही आनंद लो नज़ारे का, देखो मस्त ऐसे गहराई देखे दिख रही है, 4 फुट होगी ज़्यादा। हाँ यहाँ तक तो दिख रहा है पर आगे कितना गहरा होगा वो नहीं पता ना। 10 फुट ऐसे ज़्यादा नहीं। हाँ तो सही है भाई, गहराई नापनी हो तो नाप सकते हैं, हम तो यहीं से नज़ारा देख रहे हैं थोड़ा। तो भाई यहाँ नीचे जाके अभी नज़ारा देखे थे, थोड़ा फ़ोटो वोटो खिंचाए, अब यहाँ से ज़रा वापस चलते हैं। ये देखो थोड़ा चक्कर
कंप्लीट ही कर लेते हैं इधर से जाते जाते। अलग अलग स्पॉट्स पे लोग भी दिख सकते हैं भाई, अपना फोटो लेते हुए, एंजॉय करते हुए, वॉक करते हुए। क्या देखिए यहाँ सामने जो दुकानें दिख रही हैं, हाँ उसको नगर निगम ने बना दिया है, उसको किराया दे देंगे। अच्छा, कोई अपना चाट समोसा चाउमीन हाँ फुल्की वगैरह इसी में अपना सेटल करें, कोई घूमने आएगा हाँ चाय पीना चाय पीजिए ऐसे रहेगा इसमें। यही बड़े जैसे इको पार्क में भी था कल गए थे तो अलग अलग नया नया बना है, अभी कोई खोला नहीं है हाँ, लेकिन आने वाले समय में खुल जाएगा। हाँ बढ़िया है भाई ये भी, है ना, लोग घूमते रहें, अपना वॉक करते रहें, खाने पीने का आइटम शाम को एंजॉय करते रहें। अरे यहाँ छोटे छोटी पहाड़ी है भाई बढ़िया ग्रीनरी ये देखो भाई, सामने ब्रिज सा भी दिखता हुआ सही है, फ्लाईओवर टाइप का भी था पीछे। ये देखो भाई यहाँ पीछे भी बेंचेस लगी हुई हैं, तो हम चक्कर काटते जा रहे हैं तो अलग अलग चीज़ें दिखती जा रही हैं। हाँ और यहाँ आई थिंक ये लाइटें भी सारी चालू हो जाती होंगी जब थोड़ा अंधेरा होता होगा तो, है ना, चारों तरफ मस्त लाइट जलते हुए। यहाँ भाई गेम भी चलते हो, बैडमिंटन खेल रहे हैं लोग बढ़िया घास में, बढ़िया यहाँ जन सुविधाओं के साथ। और दुकानें भी यहाँ दिखती हुई, जैसा राहुल भैया ने बताया कि खुलेंगी या खुल सकती हैं। तो देखो भाई चल चल के हम भी अपना जहाँ से शुरुआत किए थे जिस गेट से वहाँ पे पहुँच गए, बढ़िया लग रहा है वैसे, चक्कर काट के ग्राउंड काटे अपना ठीक ठाक, कार्डियो भी भाई हो गया है। तो कैसा लगा राहुल भैया यहाँ आके? मस्त लगा यार। हाँ और जो भाई हमारे वीडियो देख रहे हैं हाँ, वो भी आए और इस तालाब का चक्कर लगाए हाँ, और घूमे मजा करें एंजॉय करें, बहुत ही अच्छा है। हाँ बढ़िया है, मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। हाँ बहुत ही बढ़िया है, बढ़िया जाएं यहीं आके अपना मॉर्निंग वॉक करें। हाँ जिम भी जाएं पर हाँ सही है बढ़िया। ये देखो भाई पहुँच गए हम, सही हम सोच रहे थे यहाँ से एग्जिट लें पर जहाँ से आए वहीं से ही एग्जिट ले लेते हैं, तो अच्छा लगा भाई। ये देखो जाते जाते पूरा तालाब का फिर से नज़ारा झलक, देखते देखते अब हम यहाँ से बाहर चलते हैं। क्या कह रहे हैं राहुल भैया? सबसे बढ़िया बात ये है कि यहाँ कोई एंट्री फीस नहीं लगती। हाँ मतलब निशुल्क है, आप आओ और जाओ। हाँ अच्छा पार्क, अच्छा तालाब बना रखा है भाई जनता के लिए। देखो यहाँ लिखा हुआ हमारा रीवा, एंट्री फीस लग सकती है। ऐसा है? हाँ क्योंकि नगर निगम को यहाँ सफाई मेंटेन करना पड़ेगा। हाँ इसलिए पैसे चाहिए होंगे। हाँ अभी शुरू शुरू में लोगों की आदत डाल रहा है, लोग आना शुरू करें। हाँ हो सकता है भविष्य में कुछ कर सकती है नगर। हाँ तब का तब बड़े फैसले ले सकती है। हाँ तब का तब देखेंगे, अभी हम चलते हैं भाई। जैसा कि देख सकता है हम निकल तो गए अपना जो रतहरा तालाब देखने गए थे, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की भी बात करूं तो भाई बढ़िया लगा। फर्स्ट टाइम गए थे देख के, जैसा बताया कि लोग अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे थे, कर सकते हैं, खेल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, मजे ले सकते हैं, लोग अपने घर परिवार के साथ भी आए थे तो बढ़िया, क्यों फोटो वोटो ले रहे थे तो अच्छा है, फन एक्टिविटी फन प्लेस बनाया गया है भाई, और जैसा बताया निःशुल्क भी है तो अच्छा है। और मैं यही राहुल भैया से भी बात कर रहा था कि जो आसपास घर बने हैं उनसे भी क्यों, उनके लिए तो छोटी मुंबई है रीवा। हाँ बढ़िया नजारा के साइड में जिनके घर हैं हाँ, उनके लिए तो छोटी मुंबई तो कहा जा सकता है। हाँ तो जैसे ही घर से निकलते हैं देखेंगे तो जन्नत है। हाँ सही है भाई, मतलब एकदम कुछ कुछ घर साइड में बने हैं तो बढ़िया है, हम भी घर पहुँचते हैं। फाइनली भाई हम अपना रूम पे भी आ चुके हैं। आई होप हमारे साथ आज का पूरा व्लॉग देख के मजा आया होगा। जो आज घर में अपना लिट्टी चोखा खा के भाई शुरुआत हुआ लंच का, और उसके बाद रतहरा तालाब देखने को मिला जो पहली बार ही गए, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और भाई इस वाले व्लॉग का अंत और समापन करते हैं। हालांकि अगर एक चीज़ और बताई जाए तो थोड़े समय में हमारा जर्मनी जाने का भी सफ़र शुरू होगा, तो साथ में जुड़े रहो, फिर वो भी देखना उसका जो पैकिंग का काम है, ट्राई करेंगे कि कल वो भी शुरू कर पाएँ और कर ही दें, क्योंकि अपने को अब दिल्ली निकलने का भी समय आ ही चुका है। तो यही था भाई इस वाले व्लॉग के लिए, और अलग अलग प्लेलिस्ट में जाके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वीडियोस देख ही सकते हो, चाहे जर्मनी रिलेटेड हो, चाहे अलग किसी देश के रिलेटेड हो, फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड या फ्रांस, तो जब समय मिले तब देख ही लेना। तो सभी का धन्यवाद करते हैं और नए दिन नए व्लॉग में मिलते हैं। बाकी तो पता ही है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, करने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं तो कर ही दो भाई। बाय बाय।